मैं इधर सोऊं या उधर सोऊं? आलू खा गया तुम? ऑडिट करने के साथ साथ मैं बच्चा लोगों को वीडियो करना भी सिखाती हूँ। जो भी मुझसे पूछते हैं कि आपने ऑफिस छोड़ दिया, इस वीडियो में मैं कितना नंबर ऑफ टाइम्स गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। इट विल बी अ वेरी अब्रप्ट ब्रेकफास्ट वीडियो। नॉट डोसा भैया, डोसा। नॉर्थ इंडियन फूड फ्रॉम हिट लाइक। इसी के बारे में सर बता रहे थे। इस ब्रिज का नाम क्या है? नाम नहीं दिया इस ब्रिज का। हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिनफुल ईटिंग। एंड अगेन इट्स नॉट सिनफुल ईटिंग, इट्स सिनफुल ट्रैवलिंग। एज यू कैन सी आई एम लुकिंग वेरी पेल। आई जस्ट गॉट लिटिल फ्री फ्रॉम वर्क। अभी मेरे को चेक इन करके फिर काम करना है। एंड यस, थैंक्स टू अमित सर, अमित भैया, फॉर अलाउइंग मी टू व्लॉग ड्यूरिंग आवर प्रोफेशनल ट्रिप। वैसे यू गाइज नो हिम, एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो हिम, बिकॉज ही वॉज माई प्रिंसिपल ऑडिटर एंड नाउ ही इज़ माई बॉस। एंड येस, अ बॉस हु मेक्स वर्क मोड वेरी ईजी। गाइज प्लीज कॉमेंट करो, थैंक यू अमित भैया। लेट नाइट वर्क अजेंडा, ऑल द फाइल्स वी आर गोना कैरी इट इन आवर रूम। ये सारा फाइल्स उस रूम में शिफ्ट होगा और ये बैग। फाइनली चेक्ड इनटू द होटल। नाउ दिस इज व्हाट माय रूम लुक्स लाइक। एंड यस, वी हैव टू बेड, बट मेरे को आज अकेले सोना पड़ेगा विदाउट मम्मी। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना स्लीप बिकॉज आई फील वेरी स्केयर्ड। पीपल हु नोज मी, दे नो दैट आई कांट स्लीप विदाउट माय मॉम, सो इट विल बी अ टास्क फॉर मी। सो यस, आई विल बी सिट्स, मैं इधर सोऊं या उधर सोऊं थिंकिंग। लेट मी गेट फ्रेश फर्स्ट। यहाँ माशे को दिया गया है काम करने के लिए, बट ये खा रहे हैं चिकन बिरयानी, रायता एंड सैलड, तो थोड़ा हम भी दबा लेते हैं। वैसे मैंने तो अपने लिए कोई चिकन बिरयानी वगैरह मंगाया नहीं, क्योंकि माय बॉस इज वेजिटेरियन, ही डजंट अलाउ, बट बिकॉज उसका रूम अलग है, मेरा रूम अलग है, सो वी कैन ईट, राइट? तो लेट्स डिग इनटू द बिरयानी। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं ग्रैंड शुलीन का चिकन बिरयानी। काफी ज्यादा पीसेस दिए हैं। हाँ, आलू खा गया तुम? आलू था ही नहीं। आलू था नहीं? जात तेरी की, ले चिकन के साथ खाएंगे हम बिरयानी। वैसे मेरा खाना आने वाला है, बट दूसरों का घर का, दूसरों का प्लेट का खाना खाने का एक अलग ही मजा है। वीडियोग्राफी माफ कीजिएगा अगर अच्छा नहीं होगा तो, क्योंकि हमारे संदीप महाशय कर रहे वीडियो। ऑडिट करने के साथ साथ मैं बच्चा लोगों को वीडियो करना भी सिखाती हूँ। ये पास आए, अब दूर जाके फिर पास आना जब मैं खाऊंगी, ठीक है? सीख गया तुम पास। बिरयानी सच में बहुत अच्छा है यार। माय रूम, आई एम सिटिंग, जैसे तैसे मैंने एडजस्टमेंट किया है, बिकॉज नथिंग वॉज प्लान दैट आई विल बी, यू नो, डूइंग अ व्लॉग और समथिंग। मैं ट्राईपॉड वगैरह कुछ नहीं कैरी की, बट सिटी में आई तो सोचा कुछ कर लेती हूँ। तो आई एम ईटिंग अंडा करी। नाउ बिटवे इज नॉट हियर, सो आई हैव टू ईट ऑल अलोन। आई कांट शो यू व्हाट आई एम ईटिंग, बट स्टिल आई विल ट्राई। सो यस, दिस इज व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड फॉर माई डिनर। एकदम लाइट एग करी, लुक्स गुड। Honestly, don't know video कैसा होगा, खाना कैसा दिख रहा होगा आपको। And yeah, the food is good. I'll try to show you the morning breakfast food here. Oh, buffet breakfast. I hope आप लोगों को ऐसे vlogs भी अच्छे लग रहे होंगे। This is kind of part of my life. जो भी मुझसे पूछते हैं कि आपने ऑफिस छोड़ दिया, ऑफिस छोड़ दिया, नहीं मैंने ऑफिस नहीं छोड़ा है। दिस इज़ अ फील्ड वेर आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 7-8 to 9 years ऑलमोस्ट। आई एम नेवर गोना लीव दैट जॉब,
ब्रेक लेना एंड क्विट करना इज डिफरेंट एंड आई नेवर क्विट एनीथिंग आई डोंट बिलीव इन क्विटिंग आई क्विट माई जॉब टू परस्यू माई पैशन नहीं आई डोंट बिलीव इन दिस फंडा आई बिलीव कि जब तक मल्टी टास्किंग हो पा रहा है तब तक के लिए ठीक है येस आई एम एट वर्क बट समटाइम्स आई टेक ब्रेक फ्रॉम ऑफिस I'm done for the day. I'll go and sleep now for some hours because early morning मुझे बहुत जल्दी उठना है and उठ के फिर काम पे जाना है तो अभी हम लोग सो जाते हैं आपसे मैं मिलूंगी सुबह. Good morning, food fan. I don't know इस वीडियो में मैं कितना number of times आपको good morning बोल रही हूँ. So I am almost ready for the day. मैं जल्दी से combing करके ready होके ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर वी आर गेटिंग लिटिल लेट फॉर ऑफिस फिर मैं ऑफिस पहुँच के पूरा दिन का जो भी स्केड्यूल होगा मैं आगे दिखाती हूँ तो पहले रेडी हो जाऊँगा. सो इट्स लिटिल कोल्ड नाउ सो लेट्स जस्ट डू द ब्रेकफास्ट. सो दिस इज द ब्रेकफास्ट एरिया ऑफ दिस प्लेस सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द जूस ओनली. I don't know, it's going to be a very abrupt breakfast video. But theek hai. I got a veg puff. Sambar. Sambar. Tumha chicken ka item tha to chicken kaise hota hai? Chicken ka kuch mil nahi raha. Sirf sausage hai. To sausage hi rehta hai. Bacon bhi rehta hai. Bacon milega tumhe yahan pe. I love this kind of breakfast, which is English breakfast. In the meanwhile, I'll show you what others are eating. So all the South Indian food fam will be very happy because he's having dosa. Not dosa, bhaiya, dosa. These people rectifies me always. And he is also having South Indian, which is idli sambar. Not sambar, it's sambar. In all the breakfast, in all the hotel breakfast, you get South Indian only. Yes. It's not, it's my favorite. Okay, I don't like South. No? Oh my god. Okay. Which is your favorite cuisine, like when it comes to breakfast? Obviously North Indian. North Indian, like chola puri, sabzi. Okay. North Indian food firm hit like. It's really tough to shoot by yourself. So my breakfast is very plain, it's saute veggies. Some sausages, veg puff, and I don't know what is this. Croissant, but I think sweet croissant. There's some jam inside. वैसे मैं अपना खाना खा रही हूँ लेकिन मेरे को मेरा नजर अमित भैया के प्लेट में है. A few moments later. अच्छा होटल शुलिन ग्रैंड गुवाहाटी का ब्रेकफास्ट में एज पर माई प्रिंसिपल बिकॉज ही हैड इट नॉर्थ इंडियन इज गुड लाइक छोला आलू का सब्जी पूरी एंड साउथ इंडियन इज गुड. Much better than the English breakfast. आपको तो कहीं जाना नहीं है ना आज. Only I will until unless the work is not done, I will not go anywhere. In the sambar में capsicum दिया हुआ है. नहीं drumsticks के साथ साथ capsicum भी है. I
आई एम स्टिल वर्किंग इन ऑफिस एंड इट्स 4:30 एंड हमें 4:30 को निकलना पड़ेगा फॉर टू कैच आवर फ्लाइट. आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ कवर कर पाऊंगी. सो लेट्स सी. So I'm really sorry, food fan, that I could not explore Guwahati. As promised, someday soon I will definitely come again to Guwahati. आज मैं बहुत 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 कोशिश की. मैं इतना सोची कि अब निकलूँ तब निकलूँ, but you know वैसे भी दो दिन काम के लिए बहुत कम होता है. Still I've tried a lot, but I think Guwahati wants me to come again to the city. In the meanwhile, I am way back to home. So अभी भूख बहुत तेज लगा था. So मैं resist नहीं कर पाई. जैसे आया मैं खा ली. So I've ordered this very like not that great. वेज पफ, बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो लेट्स जस्ट ईट एंड गो होम एंड देन ईट अगेन बिकॉज आई एम वेरी 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 हंग्री. नॉट दैट बैड. Guwahati एयरपोर्ट का लाउंज इज वेरी गुड. इफ यू एवर कम टू Guwahati एयरपोर्ट डेफिनेटली ट्राई देन डेफिनेटली. ओके सो इफ एवर यू कम टू Guwahati एयरपोर्ट देन डेफिनेटली डेफिनेटली try the lounge here. The lounge is good. They have the right option to eat. Chalo now let's reach Kolkata and then phir main aapse baat karti hu. So finally I'm back. मैंने कुछ भी ऑडिट नहीं ऑडिट बोल रही हूँ कुछ भी ऑडिट मैंने कुछ भी फूड ब्लॉग नहीं किया. आई एम फीलिंग सो सैड अबाउट इट. मैंने ब्लॉग किया इसके बिना भी. हाँ एंड आई एम फीलिंग बैड लाइक थी बट आई थिंक हम लोग को गुवाहाटी वापस जाना चाहिए बिकॉज गुवाहाटी में देयर इज टन्स ऑफ ऑप्शंस टू ईट व्हिच वी डिडंट कवर लास्ट टाइम. सो वी शुड. मंदिर नहीं जा सकते ना मम्मी डाउन. अपना बताओ. सो इट वॉज अमेजिंग. अभी मैं ना फ्रेश होके कुछ खाती हूँ. पहले बहुत भूख लग रहा है.